सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, है ना। मैंने बेटा आपको जो चतुर हंस की कहानी समझाई थी वो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। क्या है इसमें, हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, जो सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं, हमें वो मानना चाहिए, है ना। इस चैप्टर में यही है, ठीक है। क्योंकि जो बड़े होते हैं वो अनुभवी होते हैं, उनको बहुत अनुभव होता है ना, कि गलत करने से गलत होगा, सही करने से सही, वो हमें समझाते हैं, तो हमें समझना चाहिए, ठीक है। ये इस चैप्टर में है, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर और बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 66 पर, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे चतुर कौन सा हंस था? सबसे चतुर कौन सा हंस था? जो फर्स्ट का कह है, सबसे चतुर कौन सा हंस था? बूढ़ा हंस। जो बूढ़ा हंस था वह सबसे चतुर था। कह है, बहेलिए ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया? बहेलिए ने पेड़ पर चढ़कर क्या किया था? जाल बिछा दिया। बहेलिए ने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछा दिया था। गहे हंसों को मरा हुआ जानकर बहेलिए ने क्या किया? बहेलिए ने हंसों को जमीन पर फेंक दिया। हंसों को जमीन पर फेंक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंस कहां रहते थे? हंस कहां रहते थे? हंस कहां रहते थे? हंस जंगल में एक घने विशाल वृक्ष पर रहते थे। हंस कहां रहते थे? हंस जंगल में एक घने विशाल वृक्ष पर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े हंस ने क्या कहते हुए छोटी लता को नष्ट करने की सलाह दी? बूढ़े हंस ने समझाया था कि यह लता एक दिन हमारी मृत्यु का कारण बनेगी, ठीक है, इसे नष्ट कर दो, यानी इसको तोड़ दो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। क्या सलाह दी थी? बूढ़े हंस ने कहा कि यह लता एक दिन मृत्यु का कारण बनेगी, इसे नष्ट कर दो, इसे नष्ट कर दो। गह है हमारा, कुछ दिनों में लता कैसी बन गई? कुछ दिनों में लता कैसी बन गई थी? सीढ़ी जैसी बन गई थी, ठीक है। कुछ दिनों में लता तने और डालों से लिपटती हुई सीढ़ी जैसी
बन गई। सारे हंस कब और कहां फंस गए? सारे हंस कब और कहां फंस गए? कहां फंस गए थे? एक दिन बहेलिया जो था पेड़ पर जाल, बहेलिया ने क्या किया, पेड़ पर जाल बिछा दिया। और शाम के समय जब जो सारे हंस जो गए थे दाना चुगने के लिए अपने बसेरे के लिए, जब पेड़ पर आए तो उस जाल में फंस गए। तो सारे हंस उस टाइम में फंस गए समय। एक दिन पहेलिए ने पेड़ पर जाल बिछा दिया और संध्या के समय बसेरे के लिए लौटे हंस। जाल में फंस गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बूढ़े हंस ने जाल से छुटकारा पाने का क्या उपाय बताया? बूढ़े हंस ने बताया था कि कल सुबह जब बहेलिया तुम्हें पकड़ने आएगा तब तुम क्या करना, मरने का नाटक कर लेना और वह तुम्हें नीचे एक एक करके फेंकने लगेगा। और जब बाद में जो हंस रह जाएगा, बाद का जो हंस बचेगा, वो जब उसको जब नीचे पटक देंगे तो मैं एक विशेष ध्वनि यानी विशेष आवाज निकालूंगा और तुम सब एक साथ उड़ जाना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, बूढ़े हंस ने उपाय बताया कि जब कल सुबह बहेलिया तुम्हें पकड़ने आएगा तब तुम मरने का नाटक करना वह तुम्हें नीचे फेंकेगा वह तुम्हें नीचे फेंकेगा जब आखिरी हंस जब आखिरी हंस आखिरी हंस नीचे आएगा तब मैं विशेष आवाज करूंगा और तुम एक साथ उड़ जाना।
एक साथ उड़ जाना। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अब हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पाठ के अनुसार इन घटनाओं का क्रम लिखिए। आप चैप्टर रीड करोगे तो आपको पता रहेगा कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो मैं इसमें लास्ट में जो लिखा है, बूढ़े हंस ने छोटी लता को नष्ट करने को कहा, इसमें जो क्रम है वो मैं आपको बता देती हूं। पहले 5 नंबर पर आएगा जो थर्ड है, 5 नंबर आएगा, फिर 2, फिर 6, 4, 3, 1। ठीक है, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 67 पर, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन लिखिए। वचन पता है आपको कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड पे अंडरलाइन हो रही है ना, उसके हमें उसको पढ़कर हमें ये देखना है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। जंगल में एक घना वृक्ष था, इसमें जंगल जो शब्द है वह कौन सा वचन है? एक वचन। है लता डालों से लिपट गई, डालों यानी एक से ज्यादा है तो बहुवचन। उसने जाल बिछा दिया, जाल क्या है? एक वचन। हंसों ने उसकी बात नहीं मानी, हंसों ने, हंसों क्या है? बहुवचन। कुछ दिनों में लता बड़ी हो गई, लता क्या है? एक वचन। बूढ़े हंस ने सबको बचा लिया, बूढ़े हंस ने सबको, हंस क्या? एक वचन। ठीक है, अब हम 68 पेज नंबर पर आते हैं। जिस प्रकार संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द होते हैं, उसी प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द निम्न तरह से क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे वह शीघ्र चला गया, तो हम कैसे समझेंगे उसको, वह कैसे चला गया? शीघ्र। तो यहां क्रिया विशेषण क्या होगी? शीघ्र होगी। वह अंदर आया, वह कहां आया? अंदर आया। क्रिया कैसे हुई है ना, कहां आया, तो उसमें आंसर क्या निकलेगा? अंदर आया। ठीक है, तो वो क्रिया विशेषण क्या होगा इसमें? अंदर। अब नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हमें करने हैं। इन वाक्यों में से क्रिया विशेषण चुनकर लिखिए। वह तेजी से बढ़ती गई, हमने क्वेश्चन, कैसे क्रिया हो रही है, कैसे हो रही है क्रिया? तेजी से। ठीक है, कैसे बढ़ती गई? तेजी से। तो उसमें जो आंसर है हमारा, तेजी से, उसके आगे लिखेंगे तेजी से। ये हमारा कौन सा पेज नंबर कौन सा है? 68 पेज नंबर है। हंस दाना चुगने बाहर गए थे, हंस दाना चुगने कहां गए थे? हमने क्वेश्चन कर लिया, कहां गए थे? बाहर गए थे। तो क्रिया विशेषण क्या होगी? बाहर। बहेलिया कल आएगा, बहेलिया कब, कब हो रही, कब हुई, कब आएगा यानी कब आएगा, क्रिया हमने देख लिया क्वेश्चन करके, कब आएगा? कल आएगा। बहेलिया उन्हें नीचे फेंकता गया, कहां फेंकता गया? नीचे फेंकता गया। इस लता को तुरंत नष्ट कर दो, तो कब नष्ट कर दो? तुरंत, तुरंत। ठीक है, अब नीचे है क्रिया के करने या होने के समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल
जो बीते हुए समय में हुए काम के बारे में बताता है, जो बीत गया है समय भूतकाल होता है, वर्तमान समय जो चल रहा होता है, और जो भविष्यकाल जो आएगा समय, ठीक है, उसके लिए क्रिया के काल लिखिए। क्या है हमारा, उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, कौन सा काल होगा, पूछा, पूछ लिया है, यानी भूतकाल। ठीक है, खैर है हमारा, आप हमें डरा रहे हैं, यानी अभी डरा रहे हैं, वो काम कब हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है। यही लता सीढ़ी का काम करेगी, कब करेगी, भविष्य में करेगी। भविष्यकाल, कल बहेलिया आएगा, यानी ये भी हमारा कौन सा होगा, भविष्यकाल। वे पेड़ पर बिछे जाल में फंस गए, ये कौन सा काल होगा, भूतकाल। वह तुम्हें एक एक करके नीचे रखेगा, यानी भविष्य में रखेगा, भविष्यकाल। भविष्यकाल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी पेज नंबर 68 पर इन शब्दों के वाक्य बनाइए, तो ये वाक्य आप अपने आप बना सकते हैं। उपाय, जैसे बूढ़े हंस ने उपाय बताया है ना, खैर चतुर, बूढ़ा हंस अधिक चतुर था, ऐसे वाक्य आप अपने आप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। विशाल, जंगल में बरगद का विशाल वृक्ष है। सीख, हमें बड़ों की सीख माननी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से 6 क्वेश्चन है, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क्या है, मजबूत से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मजबूत से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, मजबूती, ठीक है। पेज नंबर कौन सा है, 69, मजबूती। जो है सेकंड, उस पर टिक कर लो, ठीक है। इनमें से क्रिया शब्द है, हंस नहीं है, हंसी, हंस, ये दोनों नहीं है। सेकंड वाला हंसी जो है क्रिया है, हंसना क्या होती है, क्रिया होती है। इसमें हंस क्रिया होगी, हंसी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द शुद्ध हैं, कौन सा है, लता बढ़कर, उन्होंने बूढ़े हंस से उपाय पूछा, उपाय जो गलत है, ये लता बढ़कर ऊपर पहुंच गई, ऊपर सही है, उचित ये भी गलत है, सेकंड वाला हमारा सही है, ठीक है। तो बेटा हमारा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चन आंसर आप और जो बुक एक्सरसाइज है मैं वीडियो सेंड करूंगी, है ना, और जो वो मैं बुक की फोटो भी सेंड करूंगी, तो आप अपन फिल कर लेना।